नमस्कार दोस्तों, ये एक 22 साल की लड़की का पाम है। देखते इस पाम में क्या क्या खासियत है। सबसे पहले नज़र जाती है इसकी चौड़ाई पर। ये अच्छी खासी चौड़ाई है, तो ये लोग काफ़ी मेहनती होते। जब इस तरह की पाम होती है व्यक्ति के जीवन में, तो बहुत मेहनत करते ये लोग, हद से ज़्यादा। और इनका अंगूठा देखे तो पाम के मुकाबले काफ़ी सशक्त है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा इनका। अब इनकी बूट की उंगली को देखे तो ये फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ी सी कमी रह रही है। तो हो सकता है फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो बूट पर्वत अच्छा हो तो बढ़िया रहता है। ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमजोर रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा। ये उंगली बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, इसके लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, केवल थोड़े से पॉइंट कम मिल सकते हैं इस सब चीज़ों में। अब चलते इनके ग्रहों की ओर। ग्रहों को देखे तो बुध पर्वत अपनी ही जगह पर उभरा हुआ है, और यहाँ पर ट्राइडेंट भी बना हुआ है। इनके रेखाएं बहुत पतली है, बहुत हार्ड से ये यहाँ पर ट्राइडेंट बना हुआ है। जब इस तरह का ट्राइडेंट बनता है तो उस ग्रह की शक्ति को बढ़ा देता है, यानी इनमें इनकी जो बोली होगी वो साफ होगी, अपनी भावनाओं को ये अच्छी तरह व्यक्त कर पाते होंगे लोगों के सामने, कम्युनिकेशन अच्छा होता है व्यक्ति का। ये सारे गुण इस बुध पर्वत के कारण मिलते हैं, और व्यापार का भी अच्छा खासा इनको एक्सपर्टी रहती है, यानी मनी मैनेजमेंट ऐसे लोगों का अच्छा खासा अच्छा होता है। पर ये उंगली जो छोटी है, इसके कारण इनको जीवन में बहुत बार तकलीफें उठानी पड़ेगी, बहुत बार। कहीं ना कहीं फाइलिंग हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, उन सारी चीज़ों में ये कमज़ोर रहेंगे, और इनका अच्छा खासा समय व्यर्थ जाएगा। ऐसे लोगों को किसी के साथ पार्टनरशिप में कभी काम नहीं करना चाहिए। ये उस तरह का हिसाब किताब नहीं ध्यान रख पाते, और इनको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं होता। पर ये उंगली यहाँ से थोड़ी मुड़ी हुई है, तो ये सारे गुण मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बना देते। यानी जब आपका छोटी उंगली का फर्स्ट फैलेंस थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में अच्छा खासा एक्सपर्ट होता है, अपने हितों के लिए अच्छा खासा अवेयर होता है। मनी से रिलेटेड प्रश्न, चाहे वो बिजनेस हो, अब बिजनेस है तो मनी से रिलेटेड ही होता है। तो ये फैलेंस जब थोड़ा सा कुर्क होता है, यानी मुड़ता है, तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में अच्छा खासा एक्सपर्ट होता है। अब इनके सूर्य पर्वत पर मुझे केवल एक स्क्वायर दिख रहा है, तो हो ना हो ये कभी ना कभी इनको मल्टी सिटी काम का मौका मिलेगा। पर सूर्य पर्वत पर ऐसी कोई स्ट्रांग लाइन नहीं है, तो इनको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जीवन में, इजीली काम होते रहेगा इनका। और एक विद्या रेखा भी बनी हुई है, और यहाँ पर दूसरी रेखा भी बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या? ऐसे लोग बेसिक नॉलेज अच्छा होता है इनके पास, कॉमन सेंस अच्छा होता है, लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते। पर जब दो लाइनें आ जाती है तो इनको अपने ज्ञान पर घमंड भी रहता है, ऐसे लोग अपने ज्ञान पर घमंड भी करते, तो ये एक माइनस पॉइंट व्यक्ति के जीवन में आ जाता है जब इस तरह की दो लाइन होती है। शनि पर्वत काफ़ी फ्लैट है, एकदम सुंदर, और उस पर इस तरह से जो रेखा जा रही है, तो ये विदेश से धन प्राप्ति की ओर भी इशारा करती है। जब सूर्य पर्वत की ओर मुड़ती है रेखा, है कंटिन्यू, इनके बुढ़ापे में भी इनके पास धन रहेगा, पर ये जिस तरह से मुड़ती है वो विदेश से धन प्राप्ति का भी संकेत करता है, यानी कभी ना कभी जीवन में इनके पास विदेश से भी धन प्राप्त होगा। और एक लाइन ऐसी है, स्क्वायर बन रहा है, जो अच्छा खासा बड़ा बन रहा है, तो इनको मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ जीवन में मिलेगा। अब इनके गुरु पर्वत पर देखें, गुरु पर्वत दबा हुआ है, चाहिए वैसा स्ट्रांग नहीं है, इनका शुक्र पर्वत काफ़ी है, पर ये पर्वत दबा हुआ है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक झंझटमारियों से बहुत सामना करना पड़ता है, अति पारिवारिक झंझटमारियाँ होती है। ऐसे लोगों की शादी भी होती है
तो थोड़ी सी तकलीफ आती है शादी करने में भी। दूसरा, अगर शादी हो भी गई तो पति के साथ भी वाद विवाद होता है, इस तरह का नया माहौल बनता है और परिवार से दूर भी रहना पड़ता है। ये सारे गुण मिलते हैं, यानी इस तरह के माइनस पॉइंट होते हैं। गुरु जब दबा होता है और अपने कार्य का विस्तार भी नहीं कर पाता, और इस पर एक स्क्वायर दो बने हुए, यहाँ पर तो नहीं दिख रहे, मैंने इनका क्लोजअप लिया था, यहाँ पर स्क्वायर बने, तो ये बोलने की क्रिया में अच्छा खासा मास्टर बनाते हैं। 32 साल के पहले खुद का घर इनके आएगा, 36 साल में ये अथॉरिटी पोजीशन में पहुँचेंगे। ये सारे गुण इनको जीवन में मिलने वाले, वो इनकी फेट लाइन पर भी उसका असर दिख रहा है, यानी ये पॉइंट मिलेगा और बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलेगा इनको। अब इनका एक प्रश्न था यूपीएससी, तो इनके कोई लाइन पर नहीं, सूर्य पर्वत पर ऐसी कोई रेखा या साइन है कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिले या यूपीएससी में ये पास हो या इनको सफलता मिले, और ना ही यहाँ पर ऐसी कोई रेखा गुरु तरफ जा रही है, गुरु पर्वत की ओर फेट लाइन, कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से इनको गवर्नमेंट जॉब के लिए यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है वहाँ ध्यान लगाने को छोड़ देना चाहिए। अब इनको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए वो भी मैं आगे बताऊंगा, जब रेखाओं पर आएंगे तब। इनके पास बहुत अच्छी एक कला है, और ये जो लाइन है ये इनको फूडी नेचर के बताती है। इनको खाना खाना बहुत पसंद होगा, टेस्टी खाना इनको ज़्यादा पसंद होगा, इस तरह का नेचर होगा। अब इनके अंदरूनी मंगल को देखें, काफ़ी क्लीन है, तो शरीर के अंदर एनर्जी व्यवस्थित होगी, मध्यम दर्जे की एनर्जी होगी, और ज़्यादा चिंता करने वाला स्वभाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी लाइनें नहीं है, पर इनकी क्लियरिटी जो जैसी चाहिए वैसी इनकी क्लियरिटी मुझे मिली नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पाम को पढ़ने की। अभी इनका एक सवाल था मैरिज से रिलेटेड, तो मुझे यहाँ का क्लोजअप मुझे मंगाना पड़ेगा, तब जाके मैं इनका जवाब दूंगा मैरिज की आई का आयु का। तो ये प्रश्न अधूरा रह गया इस पाम पर। अब चलते हैं इनके बाहरी मंगल पर। बाहरी मंगल अच्छा खासा उभरा हुआ है, ये जब किसी से मिलते होंगे तो एकदम कंफर्टेबल माहौल बनता होगा, सामने वाले व्यक्ति को लगता होगा कि मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, कंफर्टेबल फील होता होगा, इस तरह का नेचर इनका होगा। और इनका चंद्र पर्वत भी काफ़ी उभरा हुआ है, ये अगर विदेश की तरफ ध्यान दे तो अच्छा खासा विदेश जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यात्रा रेखाएं यहाँ पर बनी हुई है, इनके क्लोजअप लिया था मैंने, बहुत सारी यात्रा रेखाएं भी बनी हुई है, और ये इंडिकेशन भी इस तरह की जो लाइनें हैं ये भी इंडिकेशन यात्रा की ओर कर रही है। और दूसरा इंडिकेशन है इनकी जीवन रेखा से जो निकल रही है लाइनें, ये लाइनें जो निकल रही है ये भी विदेश की ओर जाने का संकेत देते। लॉन्ग स्टे हो सकता है, परमानेंट सेटलमेंट यहाँ का जब क्लोजअप आएगा तब मैं इनको ये चीज़ का बता पाऊँगा, पर विदेश की ओर इनकी फेट लाइन भी इशारा कर रही है और इनकी लाइफ लाइन भी इशारा कर रही है। अब देखिए इनका चंद्र पर्वत भी काफ़ी उभरा है, तो इस तरह के लोग भी विदेश की ओर, केवल चंद्र पर्वत उभरा हो तो भी व्यक्ति विदेश की ओर जा सकता है। अब इनका मनी ट्रायंगल देखते, इनका मनी ट्रायंगल लगभग कंप्लीट है, लगभग, तो ये इनकम के स्रोत इनके जीवन में अच्छे खासे क्रिएट होंगे, और नेचुरल है, जिसका 32 साल के पहले घर आना है तो वो अर्न तो करने ही वाले हैं, तभी घर ले पाते व्यक्ति, तो ये सारे सुख इनको मिलने वाले। अब इनका शुक्र पर्वत देखे, शुक्र पर्वत पर मुझे कोई कमी नहीं लगती, एक लग्जरी रेखा भी है और उसमें से शाखाएं भी निकल रही है, तो लग्जरी तो इनके जीवन में अच्छी खासी रहेगी, लग्जरी का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला इनके जीवन में, और शुक्र पर्वत की ओर से लाभ भी अच्छा खासा मिलेगा। पर इस शुक्र पर्वत इतना बड़ा है और उसके सामने गुरु पर्वत कमज़ोर है, तो इनको गुरु पर्वत का इलाज करना पड़ेगा, वो मैं इनको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। और शुक्र पर्वत अच्छी खासी इनको एक धन का माध्यम भी इनके जीवन में क्रिएट करेगा अच्छा खासा, क्योंकि शुक्र पर्वत करोड़ोंपति बनाता है और ये केवल करोड़पति बनाता है। अब चलते हैं इनकी रेखाओं को समझते,
इनकी रेखा बढ़िया है हार्ट लाइन, और गुरु पर्वत से शुरू होकर एकदम सीधी जा रही है। तो जब इस तरह की कौ लेती है तो ये लोग सच्चे प्रेमी होते, हर एक व्यक्ति से प्रेम करते, परिवार के व्यक्ति से, इनके साथ में काम करने वाले लोग, इनका स्वभाव बहुत भावुक टाइप का होता है, सभी को प्यार बांटते ही है, इस तरह का स्वभाव होता है। हाँ, इनको सामने वाले से जब इस तरह का प्रेम प्राप्त नहीं होता, चाहे इनका कोई लवर हो या पति हो या परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, जब इनको प्राप्त नहीं होता तो इनका दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है, इस तरह का नेचर इनका बनता है। पर ये अपनी ओर से सभी को प्रेम देने की इनकी इच्छा शक्ति होती है और ये देते भी है, तो ये बेस्ट हार्ट लाइन है। और गुरु पर्वत से जब शुरू होती है तो एकदम विश्वासु किस्म के इंसान रहते हैं, इस तरह का नेचर इनका बनता है। अब इनका जो सवाल था कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, तो ये माइंड लाइन पर इनके जवाब मिल रहा है। इनकी माइंड लाइन देखिए आप, यहाँ से चली और यहाँ से एक फोक बना, एक माइंड लाइन यहाँ से और निकली और उस पर भी एक फोक बन रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर भी। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति लिखने की कला में अच्छा खासा एक्सपर्ट होता है, और जनरली ये पत्रकार लोगों के हाथों में इस तरह की चीज़ पाई जाती है, इस तरह का फोक, जो पत्रकार होते हैं उनके हाथों में इस तरह की रेखाएं पाई जाती है। तो मेरे हिसाब से इनको पत्रकारिता पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, तो इनको काफ़ी अच्छी सफलता जीवन में मिल सकती है। और ये लाइन इनको उसी लाइन में भी लेके जाएगी, 99% इस तरह की रेखा इनको उसी तरह पर लेकर जाएगी, और ये फोक इनके नाम पर किताब भी छपने की ओर इशारा कर रही है। यानी ऐसे लोगों का, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है तो काफ़ी मायने बदल गए, पर जनरली पुराने ज़माने में इस तरह से चीज़ें दिखती थी तो कहा जाता था कि ऐसे लोग किताबें भी लिख सकते हैं, पर ये कंप्लीट इशारा कर रही है राइटिंग वाले क्षेत्र में। और आज की ज़माने में इंटरनेट का ज़माना है तो ये लाइन भी हो सकता है विदेश से धन प्राप्ति यहाँ से भी दिख रही है। तो हो ना हो इनका जो जीवन उस तरह से उस दिशा में जाएगा। अब इनकी जीवन रेखा को देखें तो अच्छी खासी पतली है, पर वो कहाँ से पतली हो रही है, उम्र के लगभग 32 साल या 33 साल तक तो ये परिवार के निर्णयों पर चलेंगे, और उसके बाद, और ये झिकझिक वाली लाइन है, तो हो ना हो इनके जीवन में इस पीरियड तक संघर्ष रहेगा, 32 से 33 पीरियड तक इनके संघर्ष रहेगा, और उसके बाद इनकी जीवन रेखा स्मूथ चलकर इस तरह से यहाँ पर मुड़ रही है। तो इसका क्या मतलब, ये जब पतली रेखा होती है तो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति बहुत ध्यान देता है, ये खाने से वो हो जाएगा, इतनी कैलोरी खानी चाहिए, इतना ही आयरन शरीर में मिलना चाहिए, इस तरह से तोल तोल कर खाने वाला व्यक्ति बनता है। प्लस अपने शरीर के प्रति ये खाने से सर्दी हो जाएगी, ये खाने से बुखार आ जाएगा, इस तरह की मानसिकता, शरीर के प्रति काफ़ी ध्यान रखने वाले लोग बन जाते जब इस तरह की पतली जीवन रेखा होती है। तो बाकी इस जीवन रेखा पर मुझे तो कोई दोष दिख नहीं रहा है, प्रोग्रेस लाइनें दिख रही है, तो इनकी प्रोग्रेस तो पक्का जीवन में होने वाली है, और ये विदेश यात्रा का संयोग बना रही है। अब चलते इनकी फेट लाइन पर, फेट लाइन को देखें तो एक फेट लाइन इनकी इस तरह से निकली और यहाँ आकर हल्की होकर इस तरह से घूम रही है। एक फेट लाइन इनके जीवन में उम्र 29 के आसपास से निकली और इस तरह से घूम रही है, और उसके बाद उम्र 36 से एक जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, जो अथॉरिटी पोजीशन में जो कह रहा था वो यहाँ से एक बदलाव आएगा, और ये 56 साल तक उससे अच्छा खासा अर्न करेंगे, और एक विदेश से धन प्राप्ति की रेखा भी इनकी डेवलप हो रही है, तो बुढ़ापे में हो सकता है ये विदेश से अर्न करे। तो इस तरह के संयोग इनके जीवन में बन रहे और कंटिन्यू धन रेखा है, यानी प्रॉब्लम है नहीं इनके जीवन में, और ज़्यादा उन रेखाओं को काटने वाली कोई रेखाएं नहीं है। हाँ, ये रेखा यहाँ से पतली हो रही है, तो हो ना हो
उम्र 29 से इस बिजनेस के अंदर या ये जो कार्य करते होंगे वहाँ ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, पर दूसरा इनकम का स्रोत इनके पास रेडी होगा, वहाँ से अच्छे खासी इनकम इस पीरियड में भी इनको होगी। यानी इनकम इनकी कम नहीं होने वाली, एक माध्यम से कम होगी तो दूसरे माध्यम से इनके पास होने वाली है। पर जैसे ही 36वां साल आएगा, 36वें साल से इनकी अर्निंग चालू अच्छी खासी हो जाएगी, यानी बहुत सेटल कहे जाएंगे उस पीरियड में। और यहाँ पर एक उम्र 35-36 के आसपास थोड़ा सा कट है, और एक उम्र लगभग 38 के आसपास एक छोटा सा कट है, तो ये पीरियड में इनको हो सकता है आर्थिक नुकसान जाए। दूसरा अगर देखें तो अगर इनका शादी का प्रश्न वहाँ से नहीं दिखा तो यहाँ से भी एक शादी का प्रश्न देख सकते। जब कोई एक्स्ट्रा फेट लाइन निकलती है तो हो ना हो वहाँ पर भी जीवन में कोई नया इंसान इनके जीवन में आता है, और वो होगा लगभग 28 के आसपास। यानी हो ना हो इनके जीवन में 28 के आसपास कोई जीवन साथी आए और इनका जीवन शुरू हो। अब इस तरह से फेट लाइन चल रही है, और फेट लाइन पर ये एक परिवार का खर्चा दिखा रही है उम्र 50-51 के आसपास। और ये जो रेखाएं निकलती है हृदय रेखा से इस तरह से, ये एक व्यक्ति को आदर्शवादी नेचर की ओर धकेल रही है। व्यक्ति काफ़ी आदर्शवादी होता है, मुझे इसी तरह जीना, मुझे यही काम करना है, इस तरह का पात्र मिला तो ही मैं शादी करूंगा, इस तरह की मानसिकता इस गुरु पर्वत पर जब कोई शाखा जाती है तब बनती है। तो इन लोग इनकी जो चॉइस के जो पैमाने रहते हैं वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, और उसके कारण इनका मैरिज भी काफ़ी लेट होता है। तो ये इस टाइप का इनका पाम का एनालिसिस है। अब केवल इनके एक प्रश्न का जो जवाब है मैं यहाँ का क्लोजअप इनका मंगा लूँगा। इनके तीन सवाल थे, उस पर शादी की उम्र इनकी पता चल जाएगी। फेट लाइन से तो एक अंदाज़ा मैंने मार लिया है कि ये साल में इनकी शादी हो सकती है, पर इनको गवर्नमेंट जॉब का कोई चांस नहीं दिख रहा है, इनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर तैयारी करनी नहीं चाहिए। रहा सवाल इनको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इनकी जो माइंड लाइन है ये पत्रकार की ओर इशारा कर रही है, लिखने के कार्य की ओर इशारा कर रही है। तो इनको उस फील्ड में जाएंगे तो ज़्यादा सफल होंगे, और विदेश जाने के भी योग इनके जीवन में बनेंगे। चंद्र पर्वत अच्छा है, जीवन रेखा से भी लाइन चल रही है, तो ओवरऑल अच्छा पाम है। कोई तकलीफ मुझे ज़्यादा इस पाम पर दिख नहीं रही है, सफलता अच्छी खासी मिलेगी, मनी ट्रायंगल भी अच्छा खासा है। हाँ, खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा, माइनस पॉइंट है तो केवल ये गुरु पर्वत दबा हुआ है, परिवार से दूर, परिवार की झंझटें ये काफ़ी इनके जीवन में रहेगी। इसका इलाज भी मैं इनको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा इनको। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।